बावंडा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान खींवसर के पुलिस जाब्ते को जान से मारने की नीयत से बोलेरो गाड़ी ऊपर चढ़ाने के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को नागड़ी फांटा से किया गिरफ्तार। प्रकरण में पुलिस ने पूर्व में भी दो आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार। आरोपियों ने बीते 6 अगस्त को नाकाबंदी के दौरान पुलिस जाब्ते को जान से मारने की नीयत से बोलेरो गाड़ी को ऊपर चढ़ाने का किया था प्रयास। इस दौरान सरकारी जीप को भी लग गई थी टक्कर, जिसका प्रकरण केवसर थाने में था दर्ज। इस प्रकरण में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए एक और नामजद आरोपी निम्बाराम जाट निवासी हैसाबा को कर लिया है गिरफ्तार। कुचेरा पुलिस ने भी जान से मारने की नीयत से टक्कर मारने तथा गंभीर मारपीट करने के प्रकरण में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने बीते 9 अगस्त को प्रार्थी सुनील को जान से मारने की नीयत से उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर गंभीर मारपीट करते हुए कर दिया था घायल। पीड़ित के पिता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कल पुलिस ने कार्रवाई कर दो आरोपियों सोहनलाल इनानिया निवासी इनाणा तथा श्रीपाल एंचरा निवासी रूपातल को किया गिरफ्तार। खींवसर उप प्रधान पर जानलेवा हमला करने के प्रकरण में पांचोड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज, फील्ड इंटेलिजेंस और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए 3 नामजद आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार तथा विधि से संघर्षरत 2 बाल अपचारियों को भी किया निरुद्ध। आपको बता दें कि कल ग्राम माडपुरा में आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से खींवसर उप प्रधान की राम सिंह बगड़िया पर लाठियों एवं सरियों से किया था हमला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हुआ था जारी। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर खींवसर उप प्रधान पर हुई मारपीट के प्रकरण में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 2 बाल अपचारियों के साथ आरोपी पन्नाराम प्रजापत, प्रकाश प्रजापत तथा लादूराम प्रजापत निवासी माडपुरा को कर लिया है गिरफ्तार। मारोट पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में 24 घंटे के भीतर एक नामजद आरोपी को ग्राम रेवासा से किया गिरफ्तार। आरोपी ने बीते 28 अगस्त को घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का किया था प्रयास। पुलिस ने मामले में सोहनलाल मेघवाल नामक आरोपी को किया है गिरफ्तार। कल अमावस्या के अवसर पर रियाबड़ी में रेगर समाज मुक्ति धाम में युवाओं ने मिलकर वृक्षारोपण का दिया सकारात्मक संदेश। युवा नौरत सुहासिया ने बताया कि आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्ष देते रहते हैं उपहार, ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में करना चाहिए सहयोग। राज्य में चल रहे राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेलों में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों में भी देखा जा रहा है खासा उत्साह। निर्धारित सभी खेलों में भरपूर मात्रा में सभी वर्गों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। जिले के प्रवेशिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गागुड़ा सिटी ने भी कल महिला वर्ग में जीता मेडल। इस अवसर पर निर्णायक दल PEO अशोक मेहता, रविंद्र पारिक एवं नियाज मोहम्मद खान रहे मौजूद। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम के तहत कल RUIDP के अधिशासी अभियंता के निर्देशन में सहायक अभियंता श्रीकांत यादव के सहयोग से महिला पार्षदों को मकराना में जेंडर समानता पर किया गया जागरूक। बदलते समय के साथ लोग भी विभिन्न नवाचारों के साथ बदल रहे हैं अपना लाइफ स्टाइल। लाडनू शहर में सैनिक कृषि फार्म में एक पति व पत्नी ने मिलकर अपनी लगन और मेहनत के दम पर जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए पेश की है मिसाल। युवा ओम प्रकाश सैनी ने दिल्ली एवं गुजरात जैसे महानगरों में कार्य करने के बाद गांव की मिट्टी से जुड़ने का फैसला करते हुए पत्नी के साथ मिलकर कोरोना काल के दौरान भरपूर मेहनत से जैविक खेती की थी तैयार। वर्तमान में लगभग 10 बीघा जमीन पर जैविक रूप से खेती करते हुए विभिन्न फसलों को कर लिया है तैयार तथा किए हैं कई नवाचार।
ओम प्रकाश की पत्नी ममता ने भी इस पहल में बराबर साथ देते हुए वैकल्पिक एवं आधुनिक तरीके से की जा रही खेती को बढ़ावा देने के लिए किया है प्रेरित। मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और सैनिक कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ और लावनू क्षेत्र में है और मैं अपने क्षेत्र में लेयर खेती पर काम करता हूँ, जिससे नीचे पालक, ऊपर बेल वाली फसल और बीच में गोभी की फसल, अभी तीन लेयर है और आगे भी बढ़ाने की कोशिश है। और जैविक करता हूँ और भी काम करता हूँ मैं, जैसे जीवन बढ़ाने के लिए और जैसे मेरे बच्चे का जन्मदिन पर मैं अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार उस साउंड पीस में उसका जन्मदिन मनाता हूँ। और भी मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खेती करें, उसमें अच्छा जीवन है और मैं खुद खेती में ज़्यादा खुश रहता हूँ। यह है न्यूज 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।